नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, कोविड की थर्ड वेव आए ना आए, आपके इलाके में डेंगी डेंगू आ गया है। द इंटरनेट इज फुल ऑफ ब्रो साइंस, फेक नॉलेज, हाफ इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा। योर क्वेस्ट ऑफ रिलायबल ऑथेंटिक हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड्स हियर। सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड यू नेवर हैव टू गो एनीवेयर एल्स एवर अगेन। आपको मच्छर ने काटा, मच्छर से आपके अंदर वायरस चला गया। वो वायरस आपके अंदर 4 से 10 दिन पहले मल्टीप्लाई होगा आपको सिम्टम आने से पहले, और जब आपको सिम्टम आने शुरू होंगे आपके खून में वायरस होगा। वायरल वायरेमिया बोलते हैं इसको। वायरेमिया वाले फेज में अगर उस समय एक नॉर्मल एडीज वाले मच्छर ने आपको काट दिया, जिसको जिसके अंदर डेंगू वायरस नहीं है, तो आपके खून से वायरस को उठा लेगा और वो वायरस अब मच्छर को इन्फेक्ट कर देगा। और ये मच्छर के अंदर 8 से 10 दिन के बाद, अब ये मच्छर भी उसके 10 दिन के बाद जिसको किसी को काटेगा उसके अंदर ये वायरस फैलता जाएगा। तो ऐसे एक इंसान से दूसरे इंसान में डायरेक्टली नहीं फैलता, लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन है तो आपको भी मच्छर ना काटे इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपसे वो इन्फेक्शन उस दूसरे मच्छरों में भी चला जाएगा। और दूसरे मच्छर अगर फीमेल मच्छर और ज़्यादा अंडे पैदा करके हजारों लाखों करोड़ों नंबर्स बना लेते हैं, और इस वजह से ही ये डेंगू जो है कंट्रोल में नहीं आता, हर साल दिक्कत करता जाता है। और इसमें जैसा मैंने बताया, मच्छर से उसके अंडों में भी ये ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन है वायरस का। अब बात करते हैं भी, हाँ ठीक है, चलो डेंगू हो जाएगा तो क्या होगा। आपके आपको डेंगू के मच्छर ने काटा, ज्यादातर ये डे टाइम पे काटते हैं, सो डे टाइम पे काटते हैं, याद रखिएगा। अगर एक बार आपको काट दिया, आपके अंदर वायरस गया, 4 से 10 दिन का वायरस अपना इंक्यूबेशन पीरियड लेगा, मल्टीप्लाई होकर ज्यादा होगा और फिर आपको सिम्टम शुरू होंगे। वो वायरस आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, आपके टी लिम्फोसाइट सेल्स, आपके मैक्रोफेजेस, उस इम्यून सिस्टम वाले सेल्स को एक्टिवेट करता है। वहां पे एंटीबॉडीज बनते हैं, एंटीबॉडी और डेंगू के एंटीजन मिलके, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मिलके, और वो जाके रिएक्टिविटी हुई। और टी लिम्फोसाइट से जो साइटोकाइंस निकलते हैं, साइटोकाइंस जो हैं आपके बॉडी के जो खून की नसें हैं उसकी परमिएबिलिटी बढ़ा देते हैं, उसकी खून की नसों की परमिएबिलिटी बढ़ाते हैं, तो वहां से लीकेज होता है। सो पहले जो सिम्टम होते हैं उसको डेंगू फीवर बोलते हैं। सिंपल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, आपकी उम्र बहुत बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं या बहुत कमज़ोर हैं, उस पर डिपेंड करेगा, या वायरस के स्ट्रेन पर डिपेंड करेगा। जी हाँ, वायरस D1, D2 हो सकता है, एक D2 थोड़ा ज़्यादा फास्ट है, D1 थोड़ा ज़्यादा स्लो है, सो यस दैट इज देयर। सिम्टम कैसे आते हैं? सिम्टम सिंपल फ्लू वाले आते हैं। सिंपल फ्लू मतलब बुखार चढ़ेगा, और इसमें हाई ग्रेड बुखार होगा, 102, 103, 104 तक बुखार जा सकता है। साथ में सिंपल हेडेक या रेट्रो ऑर्बिट, आंख के पीछे दर्द, हाथ पैर में दर्द, जॉइंट पेन, ये सब हो सकता है। सो एक सिंपल डेंगू फीवर या प्रोबेबल डेंगू फीवर हम कैसे पहचानेंगे? अगर आपके इलाके में, खासकर इस टाइम पे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे, किसी को बुखार हो रहा है, सर में दर्द, या इन दोनों चारों में से कोई एक दो चीजें भी हैं, सर दर्द है, आंख के पीछे दर्द है, माइल्जिया यानी मसल पेन है, जॉइंट पेन है, और किसी प्रकार का कोई अगर हीमोरेजिक मैनिफेस्टेशन है। हीमोरेजिक का मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब होता है? वो होता है जब डेंगू के साथ में, क्योंकि प्लेटलेट काउंट कम होते हैं या ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो जाती है वो। सो सिर्फ हीमोरेजिक ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाने भर को हीमोरेजिक फीवर नहीं बोलते। डेंगू को 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है, डेंगू फीवर, डेंगू हीमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। ठीक है, इसी को कई बार डेंगू हीमोरेजिक फीवर का ग्रेडेशन 1, 2, 3, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 तक ले गए। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 4 यानी टोटल शॉक, पेशेंट का बीपी नहीं है, बेहोश है। तो ऐसा कैसे हो गया कि एक फीवर जो है वो सिंपल बुखार जैसा भी रह सकता है? जी हाँ, क्योंकि 20 में से केवल एक पेशेंट होगा जो सीरियस होगा, तो बाकी 19 तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे, घर पे ठीक हो जाएंगे, केवल रिलैक्स थोड़े दिन आराम करके, रेस्ट लेके, पानी पी के ठीक हो जाएंगे। सो ऐसा क्यों है कि 20 में से एक पेशेंट सीरियस हो रहा है? ये वो पेशेंट है जिसमें क्रॉस रिएक्टिविटी हो रही है। एक पर्टिकुलर वायरस से आपको इन्फेक्शन होता है, कुछ महीनों के बाद दूसरे वायरस टाइप से आपको इन्फेक्शन, क्रॉस रिइन्फेक्शन होता है, तो पहले वाले इन्फेक्शन के वजह से होने वाले जो आपके अंदर एंटीबॉडीज होते हैं वो इस नए वायरस के साथ आने वाले एंटीबॉडीज, एंटीजन के साथ बहुत हैविली रिएक्ट करते हैं, और इसलिए ऐसे केसेस जो हैं सीरियस हो जाते हैं। और जो आपके अंदर अगर वायरस है, आपके अंदर उस वायरस की इम्यूनिटी है, यानी पहले एक डेंगू वन से आप इन्फेक्ट हुए, आपने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लिए, अगर आप फीमेल हैं, आपका बच्चा होता है, तो वो आपके बच्चे में भी वो एंटीबॉडी चला जाता है, तो वो एंटीबॉडी आपके बच्चे में गया, अब उस एंटीबॉडी के चलते दूसरा डेंगू टू ने जाके अगर आपके बच्चे को काटा, तो डेंगू टू आपके बच्चे में उस एंटीबॉडी, पहले डेंगू वन के एंटीबॉडी के साथ क्रॉस रिएक्ट करके थोड़ी सीरियस रूप धारण कर सकता है। जरूरी नहीं है, मगर ऐसे एविडेंस हैं कि हो सकता है। तो प्राइमरी या फर्स्ट इन्फेक्शन जो होता है नॉन इम्यून पर्सन में, सिंपल डेंगू फीवर कॉज करता है। सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन, डिफरेंट सीरोटाइप अगर वो है, तब वो ज्यादा सीरियस इलनेस लाइक डेंगू हिमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम कॉज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला। इसीलिए एक डेंगू का वैक्सीन आ चुका था दुनिया के अंदर, सेनोफी ने बनाया था, लेकिन इसीलिए अब उसका यूज नहीं करते हैं
कई सारी कंट्री दुनिया भर की इसका इस्तेमाल, क्योंकि वो एंटीबॉडीज एक पर्टिकुलर वायरस के वजह से दूसरे वायरस के क्रॉस रिएक्टिविटी होगी नहीं होगी इसका एविडेंस अभी नहीं है। तो कैसे पता करें कि आपको डेंगू हीमोरेजिक फीवर तो नहीं हो रहा? हीमोरेजिक टेंडेंसी मतलब ब्लीडिंग टेंडेंसी होने के आप चार पॉइंट्स देख सकते हैं। एक, कहीं आपके हाथों में, जबान में या कहीं पे भी शरीर में छोटे छोटे लाल लाल स्पॉट्स तो नहीं हो रहे हैं, इसको हम पेटिकी बोलते हैं, पेटिकी बोलते हैं या इकाइमोसिस बोलते हैं, लाल पना आना होना उसको हम इकाइमोसिस पेटिकी पुरपुरा, ऐसा हो रहा है तो ब्लीडिंग टेंडेंसी। दूसरा, अगर आपके मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, मुंह से ब्लीडिंग है या लैट्रिन के रास्ते ब्लीडिंग हो रही है या कोई सुई लगाई सुई के रास्ते से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो लैट्रिन में काले रंग की लैट्रिन आ रही है जिसको मेलिना कहते हैं, या फिर खून की उल्टी हो रही है तो ऑब्वियसली खून ब्लीडिंग टेंडेंसी हो रही है। और एक होता है पॉजिटिव टॉर्निक्विट टेस्ट, टॉर्निक्विट मतलब ब्लड प्रेशर की मशीन जो आप हाथ में लगाते हैं, आप उसे ब्लड प्रेशर की अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर अगर 120-80 है तो 120+80/2 यानी आप उतना ब्लड प्रेशर यानी मीन उनका एवरेज लेंगे, उन दोनों के बीच का एवरेज लेंगे, उतने पे लेके जाके आप ब्लड प्रेशर को रोक देंगे, है ना, यानी कि 120+80/2 यानी 100 प्रेशर लेके आप उसे रोक के रखेंगे 2 मिनट तक, राइट, 2 मिनट। उस 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि यहां पे दाने लाल वाले आए कि नहीं आए, आए हैं तो वो दाने काउंट किए जाएंगे, 1 square inch एरिया, 2.5 centimeter square एरिया में वहां पे 10 से ज्यादा दाने हैं तो वो ब्लीडिंग टेंडेंसी बताता है। चार चीजें होनी चाहिए डेंगू हीमोरेजिक फीवर बोलने के लिए, हीमोरेजिक टेंडेंसी प्लस एक प्रोबेबल या कंफर्म्ड डेंगू केस, प्रोबेबल वो जिनको सिर्फ सिम्टम है, कंफर्म जिनके टेस्ट पॉजिटिव है, टेस्ट कौन से करने भी आएंगे, तो ये दो चीज प्लस अगर उनके टेस्ट में, ब्लड टेस्ट में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है यानी कि उनके प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम है, 1 lakh सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, यानी कि डेंगू का केस लगना चाहिए, हीमोरेजिक टेंडेंसी होनी चाहिए, प्लेटलेट काउंट कम होनी चाहिए, और चौथा, देयर शुड बी एविडेंस ऑफ प्लाज्मा लीकेज। प्लाज्मा लीकेज का मतलब क्या है कि खून की नसों में से पानी लीक हो रहा है, पानी लीक हो रहा है, प्लाज्मा लीकेज होगा तो खून जो है उसमें पानी कम हो जाएगा, तो खून के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो तो नहीं निकल रहे, वो तो वही है, तो रेड ब्लड सेल्स जो है उनके नंबर्स, उनका परसेंटेज बढ़ जाएगा। नॉर्मली अगर रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो 23-40% हैं और पानी निकाल दोगे तो वो 50-60%, तो अगर 20% से ज्यादा उसका उनका परसेंटेज बढ़ जाता है, दैट मीन्स पानी बहुत सारा निकल रहा है, यानी कि प्लाज्मा लीकेज हो रहा है। या फिर अगर आपने पेशेंट को एडमिट करने के बाद जो पानी दिया, ग्लूकोज दिया, फ्लूइड दिया, उस फ्लूइड से उसका हिमेटोक्रिट यानी कि उसके आरबीसी का जो ये परसेंटेज है वो 20% से ज्यादा ड्रॉप हो जाता है, दैट मीन्स उसका जो ब्लड था वो गाढ़ा था, वो आपने जो प्लाज्मा लीकेज था वो वापस प्लाज्मा डाल दिया, सो दैट इज द साइन। प्लस अगर लिटरली उनके पेट में पानी दिख रहा है, लंग के आसपास प्लूरल इफ्यूजन है, हाइपोप्रोटीनीमिया है, तो ऐसी चीजों में आप पक्के से मान सकते हैं कि प्रोटीन लीकेज है। और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आपका ब्लड लीक हो रहा है, आपको हिमोरेज हो रहा है, अंदर से कोई ब्लीडिंग हो रहा है, तो पेशेंट का जो है सर्कुलेटरी फेलियर, आपका ब्लड जो है प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, पेशेंट शॉक में चला जाएगा, यानी कि उसकी पल्स, उसकी ब्लड प्रेशर जो है बहुत कमजोर होगी, ब्लड प्रेशर नहीं मिलेगा या कम होगा, हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे और पेशेंट बेहोश भी हो सकता है, सो दैट इज कॉल्ड डेंगी शॉक या फिर टाइप 4 डेंगी हिमोरेजिक फीवर। कृपया इस सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से शेयर करिए, प्लीज शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू everyone, प्रिपेयर yourself, अगर आप तैयार रहेंगे तो कम लोग बीमार होंगे। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।